Okay, welcome once again to our channel Maxwell Study Hub. So hope आप लोगों ने पहले वाले वीडियो देखे और आप लोगों को एक्सोजेनेटिक प्रोसेस के बारे में रिवीजन हमने किया था और जहां पर हमने इरोजन एंड डिपोजिशन जैसे कंसेप्ट के बारे में स्टडी की और आप लोगों को होप वो सारे कंसेप्ट इजीली रिट्रीव हो चुके होंगे और समझ में आ चुका होगा। पहला वाला वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां मैंने इरोजन एंड डिपोजिशन के बारे में बताया। अगर आप वो नहीं सुनोगे सो आपको कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन नहीं आएगा। ओके, सो होप आप लोगों ने सुना होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सबसे पहला वाला इरोजन वर्क ऑफ रिवर। ठीक है, यानी कि एजेंट ऑफ इरोजन हैज अ वॉटर। ठीक है, वॉटर हैज एन एजेंट ऑफ इरोजन। ओके, सो सबसे पहला पॉइंट यहां पर क्या डिस्कस किया है, द रिवर ओरिजिनेट्स एट अ मच हायर एल्टीट्यूड फ्रॉम अ सी लेवल, हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट। ओके, सो सबसे पहली वाली चीज ये अपने दिमाग में रख लो कि कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन, कोई भी वॉटर हो, विंड हो, ग्लेशियर हो, ठीक है, या कोई भी एजेंट ऑफ इरोजन हो, वो दो चीजें यहां पर, तीन चीजें यहां पर कैरी करेगा। तीन चीजें आपको हर एजेंट ऑफ इरोजन में आपको कॉमन दिखेगी। अब वो तीन चीजें क्या है, सबसे पहला है इरोजन, दूसरा वाला है ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट वाला है डिपोजिशन। ये तीन चीजें हैं जो ईच एंड एवरी एजेंट ऑफ इरोजन फॉलो करेंगे ही, और इन तीन चीजों के वजह से ही हमारा लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होगा। ओके, कुछ लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं हमारे इरोजन से और कुछ लैंडफॉर्म्स हमारे प्रोड्यूस होंगे डिपोजिशन से। तो सबसे पहला यहां पर जब अगर हम रिवर की बात करते हैं तो फर्स्ट एक्टिविटी, जो सबसे पहला एक्टिविटी हर एजेंट ऑफ इरोजन में दिखता है, वो होता है इरोजन। ठीक है, याद रखिए ये तीन चीजें सब में कॉमन दिखेगा और ये सीरियल वाइज ही जाएगा। सबसे पहले इरोजन होता है, देन ट्रांसपोर्टेशन होता है, देन डिपोजिशन होता है। तो रिवर ओरिजिनेट्स एट अ मच हायर अल्टीट्यूड। अब हमारे कॉन्टिनेंट में या कोई भी कॉन्टिनेंट की अगर आप बात करते हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किधर भी जाते हो, सो रिवर वॉटर जहां से ओरिजिनेट होता है वो हमेशा हायर अल्टीट्यूड से होता है। नाउ व्हाट इज हायर अल्टीट्यूड, हायर अल्टीट्यूड इज नथिंग बट अ माउंटेन। ठीक है, तो जितने भी वाटर वगैरह जो फ्लो होते हैं वो एक एक हायर एलिवेशन से क्या होते हैं, ओरिजिनेट होते हैं और वहां से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। यानी कि वाटर का जो जर्नी होता है वो जर्नी कहां से स्टार्ट होता है, वो हायर अल्टीट्यूड से, हिमालय से, यानी कि माउंटेन रेंजेस से, माउंटेन एरिया से वो फ्लो करना, ओरिजिनेट होकर फ्लो करना स्टार्ट करते हैं। इसलिए फर्स्ट पॉइंट बोला है रिवर ओरिजिनेट एट मच हायर अल्टीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, यानी कि जो सी लेवल है, सी लेवल एक ऐसा पर्टिकुलर एरिया है जिन्हें हम लो लाइंग एरिया भी बोलते हैं। ठीक है, लो लाइंग एरिया इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो सी का, जैसे आप लोगों ने काफी वक्त पे आपने नोटिस किया होगा कि जब आप बीचेस में गए हो या कभी कोई टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस पे गए हो, सी कोस्ट पे गए हो, सो होता क्या है कि जैसे जैसे आप सी की टूवर्ड्स मूव करते हो, वो बेड जो होता है, सी बेड जहां वाटर लाई करता है, वो कैसा होता है कि वो नीचे की तरफ धसता जाता है, यानी कि वो लो लाइंग है। ठीक है, इट्स एन एरिया विच इज नॉट एन अल्टीट्यूड, विच डोंट हैव एनी अल्टीट्यूड। ठीक है, वो एक लो लाइंग एरिया है, इसलिए हम सी लेवल को बोलते हैं। सो जितने भी रिवर और वाटर होते हैं वो हमारा कहां ओरिजिनेट होता है, हायर अल्टीट्यूड पे, यानी कि हमारे हिमालय से। हियर द रिवर फ्लोज एट अ ग्रेट स्पीड एंड देयरफॉर इट्स पावर टू इरोड इज ग्रेट, यानी कि क्या होता है, इरोजन कभी भी टेक प्लेस होगा तो कब होगा, जब वेलोसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, वेलोसिटी इन द सेंस स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड होने के वजह से, मूविंग होने के वजह से ही फ्रिक्शन टेक प्लेस होगा। सो वाटर जो है वो वाटर कब इरोड करेगा, इरोड तब करेगा जब उसका वेलोसिटी काफी ज्यादा होगा, जब उसके अंदर पावर होगा इरोड करने के लिए। सो यहां पर बोला है कि हायर अल्टीट्यूड पे जहां रिवर ओरिजिनेट होता है वहीं पे सबसे ज्यादा इरोजन टेक प्लेस होता है। ठीक है, यानी कि मिडिल स्टेज एक पर्टिकुलर जगह पर, लैंडफॉर्म पे और लो लाइंग एरिया पर, ठीक है, कभी भी जो बोलते हैं ना कि कभी भी इरोजन टेक प्लेस नहीं होता।
ओके सो यहां पर ही होता है इरोजन टेक प्लेस होता है, और ये जो इरोजन होता है ये धीरे धीरे क्या करता है, अपना जर्नी स्टार्ट करता है और इरोड क्या करेगा, वो जितने भी पार्टिकल्स, सैंड पार्टिकल्स, ग्लेशियर, यानी कि रिवर क्या करता है, जब रिवर माउंटेन से फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है, उसको एक वेलोसिटी मिल रहा है। वेलोसिटी उसको क्यों मिल रहा है, स्पीड क्यों मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द स्लोप। ठीक है, स्लोपी रीजन की वजह से क्या मिल रहा है उसको, वेलोसिटी। अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं कि अगर एक स्लोपी रीजन है और एक ऐसा प्लेन रीजन है, तो प्लेन रीजन पे अगर मैं पानी डालूंगा तो वाटर का स्पीड काफी ज्यादा कम होगा, वेराइज अगर स्लोप पे से अगर मैंने वाटर डाला तो क्या होगा, वो बहुत ही स्पीड में वाटर क्या करेगा, नीचे की तरफ ट्रेवल करेगा बिकॉज ऑफ द स्लोप। तो स्लोपी रीजन का वेलोसिटी काफी ज्यादा है, सो इसलिए यहां पर ही इरोजन सबसे ज्यादा टेक प्लेस होता है। नेक्स्ट, द रिवर बेड एंड रिवर बैंक गेट्स इरोडेड बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स एक्सेट्रा। अब होता क्या है कि जितने भी रिवर बेड होते हैं, रिवर बेड इन द सेंस जो पाथ वेर अ वाटर ट्रेवल्स, ठीक है, अ पाथ वेर अ वाटर ट्रेवल, ठीक है, वेर अ वाटर लोकेट इट सेल्फ इज नोन एज रिवर बेड। ठीक है, एंड रिवर बैंक इज द बोलते हैं ना, आप बोल सकते हो वो किनारे, जो मतलब बोलते हैं ना कि रिवर जब फ्लो होता है तो रिवर को दो किनारे होते हैं, ठीक है, एक होता है वेस्ट और एक होता है ईस्ट। सो दो रिवर बैंक्स होते हैं राइट और लेफ्ट में। सो होता क्या है कि रिवर के इरोजन जब होते हैं तो रिवर इरोड कहां करता है, रिवर इरोड बेड पे करता है, यानी कि बेड ऑफ द रिवर जहां से रिवर एक्चुअली फ्लो हो रहा है, बिकॉज उस पर सबसे ज्यादा फोर्स पड़ता है, फ्रिक्शन सबसे ज्यादा वहां टेक प्लेस होता है और रिवर के बैंक में होता है इरोड, बिकॉज ऑफ द फास्ट फ्लो ऑफ वाटर, सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स एक्सेट्रा। और इरोड क्या होते हैं, इरोड जो होते हैं वो होते हैं वाटर, सैंड पार्टिकल्स, पेबल्स, ये सारी चीजें क्या होती है, इरोड होती है। ऑल दिस लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जॉर्ज वी शेप्ड वैलीज एंड वाटरफॉल। और जितना भी इरोजन टेक प्लेस होता है, ठीक है, वो किसके वजह से होता है, वो जॉर्ज मतलब जितने भी इरोजन एंड डिपोजिशन जो टेक प्लेस होते हैं उनके वजह से कौन से लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होते हैं। सो कौन कौन से लैंडफॉर्म प्रोड्यूस होंगे, जॉर्ज, जॉर्ज इज अगेन अ लैंडफॉर्म विच इज प्रोड्यूस बाय द इरोजन ऑफ द रिवर। ठीक है, रिवर कभी भी इरोजन करता है फ्रिक्शन के वजह से तो जॉर्ज बनता है, वी शेप वैली बनता है, वी शेप वैली इसलिए बिकॉज हम वी शेप, वो वी शेप रिसेंबल करता है। ठीक है, और वैली का मतलब होता है दो माउंटेन्स के बीच में से बहने वाली पानी, नदी। ठीक है, रिवर, रिवर विच फ्लोट्स, ठीक है, बिटवीन टू माउंटेन्स। ठीक है, तो वो क्या करता है कि माउंटेन्स के स्लोप को इरेडिकेट करता है, इरोड करता है, जिसकी वजह से वो वी शेप बनता है और पानी वहां से बाहर आता है। एंड वाटरफॉल, वाटरफॉल यानी कि झरना। ठीक है, ये जो झरना बनता है ये भी किसके वजह से बनता है, ये भी इरोजन एंड इरोजन वर्क की वजह से बनता है, वाटर के, रिवर के। मेरे पास कुछ यहां पर फोटोज हैं जो आप देख सकते हो, जैसे जॉर्ज आप देख सकते हो, यू कैन सी कि जो बीच वाला जो पार्ट है वो काफी ज्यादा धसा हुआ है और इस बीच वाले पार्ट में से ही वाटर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। देख सकते हो आप वाटर कैसे जा रहा है बीच में से। सो क्या हो रहा है कि बाजू बाजू में माउंटेन्स है, वो माउंटेन्स इरोड नहीं हुए, बीच वाला जो पार्ट है जहां से वाटर फ्लो कर रहा है वो पर्टिकुलर पार्ट वाटर के वेलोसिटी की वजह से इरोड हो चुका है, इरोड होने की वजह से वो बीच में धस गया है। ठीक है, सो ये है हमारा जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज का, जॉर्ज एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो कि बीच वाला पार्ट, बेड ऑफ द पार्ट सबसे ज्यादा इरोडेड है और बैंक यानी कि जो ये जो आप माउंटेन्स देख रहे हो, ये वाले माउंटेन और ये वाले माउंटेन, ये इरोड नहीं हुए हैं। ठीक है, सो दिस ऑल, दिस बोथ आर द बैंक ऑफ द रिवर। ठीक है, और आप वी शेप्ड वैली देख सकते हो। ठीक है, वी शेप वैली आप देखो, आपको दिख रहा है ये वी शेप वैली, यानी कि दो माउंटेन्स के बीच में से जो बहने वाली जो नदी है वो क्या है आपका यहाँ पर वी शेप वैली, बिकॉज ये क्या रिसेंबल कर रहा है, वी शेप रिसेंबल कर रहा है और दो माउंटेन्स के बीच में से आ रहा है, यानी कि यहां पर इरोजन कहाँ टेक प्लेस होता है, दो माउंटेन्स के स्लोप। आप देख सकते हो ये वाला स्लोप, ठीक है, और आप देख सकते हो ये वाला स्लोप। ठीक है, सो दो माउंटेन्स के बीच में से जो स्लोप आता है वो होता है आपका वी शेप वैली। ठीक है, यू कैन सी ओवर योर वॉटरफॉल। ठीक है, दिस आर दिस इज द अनदर लैंडफॉर्म विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू द इरोजन ऑफ द रिवर। आप देख सकते हो कि कैसे वाटर, वाटर यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ के कुछ रॉक जो है ना वो इरोड होकर काफी ज्यादा ये हो गए हैं, इरोड हो चुके हैं, जिसके वजह से वाटर क्या कर रहा है कि वाटर फ्लो फॉल हो रहा है। वाटरफॉल मतलब क्या होता है, वाटर गिरना, फॉल हो रहा है यहां पर, आप देख सकते हो। ठीक है, देन प्लंज पूल,
प्लंज पूल अगेन देखो आप, जो रिवर है वो रिवर हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक का यहां पर कमाल है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि हार्ड रॉक सीन्स हार्ड रॉक और हार्ड इन नेचर, ठीक है, वो इरोड सबसे जल्दी नहीं होते और सॉफ्ट रॉक इतना सॉफ्ट होते हैं जिसके वजह से इरोजन बहुत जल्दी ज्यादा होता है। तो होता क्या है, यहां पर देख रहे हो आप कि हार्ड रॉक पे वाटर वेलोसिटी से गिर रहा है, ठीक है, गिरने की वजह से पानी जो गिर रहा है वो किसके ऊपर गिर रहा है, सॉफ्ट रॉक पे गिर रहा है। सिंस वो सॉफ्ट इन नेचर है, क्या हो रहे हैं, वो इरोड हो रहे हैं, इरोड होकर वो क्या कर रहे हैं, पार्टिकल्स निकल रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे पेबल्स है, स्टोन्स है, ठीक है, स्टोन्स पेबल्स यानी कि जो छोटे छोटे कंकड़ है, पत्थर है, वो सारे है स्टोन्स एंड पेबल्स। तो वो क्या हो रहा है कि पानी का गिरना, ठीक है, वो भी फोर्सफुली वेलोसिटी के साथ किस पे गिर रहा है, सॉफ्ट रॉक पे, इसलिए सॉफ्ट रॉक क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। यू कैन सी, ठीक है, आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं इरोजन को, इरोजन वर्क को, कि इरोजन कैसे हो रहा है, स्टोन्स पेबल्स कैसे हो रहे हैं और ये रॉक कैसे इरोड होकर बाहर निकला है। ठीक है, सो ये था हमारा इरोजन वर्क ऑफ अ रिवर। ठीक है, देन हम इसके बाद हम कवर करेंगे हमारा डिपोजिशन और ट्रांसपोर्ट वाला वर्क, लेकिन जो कि हमारे नेक्स्ट अब हम अपकमिंग जो टॉपिक पे आएंगे वो हमारा क्या होगा, अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ वर्क। ठीक है, जैसे रिवर, जैसे हमने इरोजन देखा, अब मैंने कहा कि इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा, ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन, इरोजन के बाद ट्रांसपोर्टेशन होगा और ट्रांसपोर्टेशन के बाद डिपोजिशन होगा। सो हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन एंड डिपोजिशन ऑफ रिवर, फिर हम हमारा कंप्लीट कर देंगे रिवर वाला पार्ट। ओके, सो तब तक के लिए आप इन सारे नोट्स को बनाइए, ठीक है, और पढ़ो कि इरोजन वर्क ऑफ अ रिवर क्या होता है। ठीक है, सो तब तक के लिए प्लीज शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।